हे नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसखान के बारे में। आखिरकार रसखान का नाम, मतलब कि सैयद इब्राहिम खान थे, उनका नाम रसखान कैसे पड़ा, क्या है इसके पीछे की कहानी, आज हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है दोस्तों, रसखान के जो पद है उनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास से हमारी किताब में ये इनके पद रहते हैं, मतलब कि इनका संकलन रहता है और बहुत ही शानदार है। उनका जो भावार्थ निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम रसखान के बारे में ही पढ़ेंगे कि आखिरकार ये कौन थे और कैसे ये कृष्ण भगवान के भक्त बन गए और क्या है इसके पीछे की कहानी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम खान। ठीक है दोस्तों, अब आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा कि ये मुस्लिम है। मुस्लिम होने के बावजूद ये कृष्ण भक्त थे, तो इसके पीछे की हम कहानी जानेंगे कि आखिरकार कहानी क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम कैसे कहते रहते हैं ना कि हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हो, या फिर मैं मुस्लिम हूँ तुम हिंदू हो, ऐसे जात पात करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सभी इंसान हैं और हमारी सिर्फ एक ही जात है और वो है इंसानियत की जात। ठीक है, और रसखान को जब आप पढ़ोगे ना, इनके बारे में जानोगे, तो आपको ये बात ऐसी लगेगी कि हाँ बिल्कुल सही है ये बात। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों, रसखान का जो मूल नाम है, मतलब कि इनका जो ओरिजिनल नाम है, वो है सैयद इब्राहिम खान। ठीक है दोस्तों, सैयद इब्राहिम खान आखिरकार रसखान कैसे बने, इसके पीछे की हम पूरी कहानी जान लेते हैं, इसके पीछे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं, और कृष्ण भगवान की भक्ति में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ लिखी थी उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रसखान है ना, इनके ऊपर एक भजन है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उस भजन को सुनने से ना आपको इनकी पूरी कहानी पता चल जाएगी इनके बारे में, कि ये कैसे सैयद इब्राहिम खान से रसखान बने, ये पूरी कहानी पता चल जाएगी। अगर आप सुनना चाहो तो यूट्यूब पे वो भजन है, कहाँ मिलेगा शाम, ऐसे करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा है। उसमें मतलब भजन के साथ साथ जो वीडियो बनाई गई है वो भी बहुत शानदार है, उसको देखने से आपको पूरा पता चल जाएगा। मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको सुनती रहती हूँ। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि आखिरकार इसमें और क्या है। ठीक है, और चलो मैं भी उसकी कहानी आपको सुना दूँ, हो सकता है कि आप कोई वीडियो वो ना देख पाए तो मैं बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि ये जो सैयद इब्राहिम खान है, देखिए दोस्तों ये दोनों एक ही इंसान है, लेकिन पहले इनका नाम, मतलब जो मूल नाम इनका है वो है सैयद इब्राहिम खान। ठीक है, ये एक पान की दुकान पर जाते हैं और पान खाते हैं, और उस पान की दुकान में ना भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी रहती है, उनका फ़ोटो लगा रहता है वहाँ पे, और बहुत प्यारी सी छोटे से जो बाल रूप है ना कृष्ण भगवान का, वो रहता है, लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं होती और इनकी नज़र उनके पैरों में पड़ती है। तो दुकान वाले से पूछते हैं, पान वाले से, कि भैया इन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी। तो वो कहते हैं कि है नहीं उनके पास चप्पल। तो जहाँ पे वो खड़े थे ना, जिस मतलब कि जो तस्वीर थी उसमें, जो पोस्टर वहाँ पे लगा था उसमें, तो उसके नीचे ना ज़मीन ऐसे समतल नहीं थी, खुरदरी टाइप की थी थोड़ी सी। तो ये बोलते हैं खान साहब कि इतनी खुरदरी ज़मीन और ऐसी मतलब जगह पे चलने पर इनके पाँव तो छिल जाएंगे, इतने नाजुक और इतने प्यारे पैर है। तो दुकान वाला कहता है अगर आपको इतनी दया आ रही है तो आप खुद जाके चप्पल ले आओ। तो ये क्या करते हैं, उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी जूती बना के लाते हैं सैयद इब्राहिम खान, और पान वाले से कहते हैं कि भैया आप मुझे पता बता दो कि कहाँ है शाम, मतलब कि ये जो जिनकी तस्वीर है शाम, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, ये कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो है नहीं। वो सोचते कि ये तो सच में ही आ गया, वो तो ऐसे उसको मतलब बोल रहे थे कि आपको अगर ज़रूरत है जूती लाने की तो आप ले आओ, उन्होंने तो यूँ ही बोला, लेकिन वो सच में जूती लेके आ गए। तो फिर वो क्या करता है कि उसको बोलता है कि यहाँ तो नहीं, आप ढूंढ लो कहीं और मिल जाएगा। तो वो दोनों जूतियों को रख के और जगह जगह भटकते उसके पूछता रहता है कि उन्होंने माथे पे मोर मुकुट लगा रखा है, प्यारी सी उनकी सूरत है, लंगोट बांध रखा है, छोटे से है प्यारे से, आप जानते हो क्या उनको, ऐसे हर जगह ढूंढते फिरते हैं। तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि ऐसे तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, तो वेश बदल के उनके पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि वो तो वृंदावन में है, आप वहाँ पे जाइए, ऐसे बोलते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो जो पुजारी होता है मंदिर का, वो अंदर उनको घुसने नहीं देता, बोलता है कि आप तो मुस्लिम हो और ये हमारा मंदिर है, हम आपको घुसने नहीं देंगे। फिर वो रोते हैं बेचारे कि मैं इतनी दूर से आया, ये मिलने नहीं दे रहे, मुझे ये जूती देनी थी क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे।
तो वो क्या करते हैं, पुजारी जी उनको घुसने नहीं देते, तो वो सीढ़ियों पे ही बैठे रहते हैं। ये सैयद इब्राहिम खान सीढ़ियों पे ही बैठे रहते हैं। और फिर रात हो जाती है, पूरा दिन निकल के रात हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और ये इंतज़ार करते हैं कि कभी ना कभी तो ये अंदर से बाहर निकलेंगे। जो जिन बच्चे की उन्होंने तस्वीर देखी थी भगवान कृष्ण की बच्चे के रूप में, वो बोलते हैं कभी ना कभी तो अंदर से बाहर आएंगे तो मैं तब जूतियाँ दे दूँगा। वो बैठे रहते हैं, फिर उनको लगता है कि आसपास कोई आया, ऐसे भनक लगती है, लेकिन देखते तो कोई नहीं आता। फिर नीचे ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते तो देखते बहुत प्यारा सा सुंदर सा बच्चा, बिल्कुल वो की बोई रूप जो उन्होंने उस तस्वीर में देखा था उनके सामने आ जाता है। तो वो फटाक से उसको गोदी में उठाते हैं और बहुत प्यार करते हैं, उसको खिलाते हैं जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं ना, वैसे बहुत अच्छे से रखते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं उनके पैरों की तरफ, तो दोस्तों उनके पैरों में खून निकल रहा होता है, पैर छिल रहे होते हैं सच में। तो वो कहते हैं रसखान जी, मतलब कि ये सैयद इब्राहिम खान जी कहते हैं कि आपको इतनी परेशानी हुई आने में, आप मुझे ही बता देते, मैं वहीं आ जाता जहाँ पर आप थे। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि आपने जिस रूप में मुझे देखा था, आपने जिस रूप में मुझे चाहा था, मुझे उसी रूप में आना था। तो आपने मुझे बाल रूप में चाहा तो मैं मथुरा से चलते चलते यहाँ पर आया हूँ, तो आने में मुझे समय लग गया और मेरे पैर छिल गए और मुझे कांटे लग गए। अगर आप मुझे इस रूप में चाहते तो मैं आपको इस रूप में आसानी से मिल जाता। तो वहाँ पे भगवान ने ये कहा कि आप जिस रूप में चाहते हो उस रूप में आपको वो चीज़ मिल जाती है, भगवान मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम से सैयद इब्राहिम खान बोले कि मैं आज से आप ही की भक्ति करूँगा और आप ही के लिए पद लिखूँगा। और तब से ये हो जाते हैं सैयद इब्राहिम खान से रस खान। तो दोस्तों ये है इनके नाम परिवर्तन की, इनके धर्म परिवर्तन की कहानी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता या कोई भी मुस्लिम हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान हैं और सभी इंसान एक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहता है वो बन सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत प्यारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी कहानी थी। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया उससे आपको इनके बारे में थोड़ी सी समझ विकसित हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते आगे। देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म काल और मृत्यु काल है दोनों ही अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो यूँ बनेगा कि 1533 से लेकर 1548 के बीच में इनका जन्म माना गया है और इनकी मृत्यु 1618 से 1628 के बीच में मानी गई है, ठीक है। क्योंकि ये आप कितनी भी किताब उठा के देखोगे आपको अलग अलग ही मिलेगा, तो इसलिए ये विवादित है। और जो चीज़ विवादित होती है वहाँ से डायरेक्ट उस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों। इनका जन्म स्थान है पिहानी हरदोई में, ठीक है। और कुछ विद्वान है वो इनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास मानते हैं। और क्यों मानते, क्योंकि इनकी प्रेम वाटिका रचना है उसके आधार पर इनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास ही मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों इनकी मृत्यु हुई मथुरा में, महावन में इनकी समाधि है, ठीक है। मथुरा में ही महावन में इनकी समाधि है। तो ये आपको पता चल गया कि इनका जन्म स्थान है पिहानी हरदोई, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो कुछ विद्वान है जिन्होंने दिल्ली में माना है इनकी प्रेम वाटिका रचना के आधार पर, ठीक है। इनकी मृत्यु, इनकी जो समाधि बनी हुई है वो मथुरा में है, मथुरा यूपी में, आप सभी जानते हो महावन नामक स्थान में इनकी समाधि है, ठीक है। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ जी है और विट्ठलनाथ जी को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है दोस्तों। इनका मूल नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनके मूल नाम से संबंधित क्वेश्चन कभी आ ही जाता है, टीजीटी पीजीटी का आप एग्जाम देते हो तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और अब तो आपको मालूम रहेगा ही, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखिए सुजान रसखान इनकी रचना है, दान लीला है, अष्टयाम है, प्रेम वाटिका है। दोस्तों प्रेम वाटिका की यहाँ पे ईस्वी लिखी है, क्लियर, मतलब इनकी ईस्वी लिखी हुई है 1614 ईस्वी है, ठीक है। और ये इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है प्रेम वाटिका, ठीक है दोस्तों। और इनकी जो पूरी रचनाएं हैं इनका संकलन कहाँ पे मिलता है दोस्तों, रसखान रचनावली के नाम से इनकी जो सभी रचनाएं हैं उनका संकलन मिलता है, ठीक है, संग्रह मिलता है पूरा। तो ये आपको यहाँ तक की बात मालूम हो गई। और प्रेम वाटिका है ये इनकी अंतिम रचना है, 1614 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। चलो अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं।
देखिए दोस्तों, रसखान तुलसीदास जी के समकालीन थे, और इस बात का पता आपको पहले भी चल गया था जब हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाई थी। तो जब रसखान को इन्होंने कथा सुनाई थी तो समकालीन हो गए ना, उसी समय के तो थे दोनों। तो देखिए दोस्तों, मूल गोसाई चरित एक रचना है, और किसकी रचना है? ये बैनी माधवदास की। ठीक है, यह आपको मालूम रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। मूल गोसाई चरित है, ये बैनी माधवदास की रचना है। इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। ये आप सभी जानते हो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कथा रसखान को सुनाई थी सबसे पहले, लेकिन किसके आधार पर, किसके अनुसार कह रहे हम इस बात को? तो मूल गोसाई चरित रचना है बैनी माधवदास की, इसके आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, ये इसका प्रमाण है, और बिना प्रमाण के कोई भी चीज़ सही नहीं मानी जाती, आप सभी जानते हो। और देखिए, इसके बारे में ये पद लिखा हुआ है मूल गोसाई चरित में, तो ये भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए मेरे साथ में। जमुना तट पर तय बत्सर लो, रस खाने जाई सुनावत भो। ठीक है दोस्तों, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की इनको कथा सुनाई थी, उसी के बारे में ये पद है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये विजेंद्र स्नातक है, इन्होंने स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा है। किसको? रसखान जी को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा है। और भारतेंदु जी ने क्या कहा है? देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद जी ने क्या कहा है कि रसखान जी और रहीम जी को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि इन मुसलमानन हरिजन पे कोटन हिंदन बारी। आप समझ रहे हो कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें कही है, कि मतलब इन मुसलमानन हरिजन पे कोटी हिंदू बारी, मतलब कि ऐसे मुसलमान भक्त, ऐसे मुसलमान भगवान के प्रिय कवि, भगवान के प्रिय इंसान, मतलब भगवान के बहुत ज़्यादा करीब जो है, इतना अच्छा जिन्होंने लिखा है समाज के लिए, अपने भक्ति काल के लिए, भक्ति के लिए, इन पर हम कोटि कोटि, मतलब कोटि हिंदू, सैकड़ों हजारों हिंदुओं को हम बार सकते हैं, मतलब कि कुर्बान कर सकते हैं ऐसे मुसलमानों पर, ऐसे अच्छे कवियों पर, मुसलमान कवि। हरिजनन का मतलब दोस्तों ये होता है हरि का जन, मतलब भगवान का बंदा, जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, तो ये बात कही है भारतेंदु हरिश्चंद जी ने रसखान और रहीम के बारे में। दोस्तों, रहीम के बारे में भी देखिए, मैंने पढ़ाया नहीं है आपको अभी तक भक्ति काल में। मैं प्रयास करूँगी कि एक और वीडियो लाऊँ जिसमें भक्ति काल के अन्य जो कवि है उनके बारे में भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि रहीम दास जी है, इनके बारे में भी ऐसा ही है कि ये भी मुसलमान थे, और ये कैसे रहीमदास जी बने, इसके बारे में भी कहानी है। तो ये भारतेंदु जी हरिचंद ने इसीलिए कहा है कि रसखान और रहीम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको मालूम हो गई आज कि ये पंक्ति किसने कही है और किसके लिए कही है। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद जी ने कही है, और किसके लिए? रसखान और रहीम दोनों के लिए कही है। ठीक है दोस्तों, रसखान और रहीम दोनों के लिए कही है। रसखान के बारे में आप अच्छे से जान चुके हो, मैं प्रयास करूँगी कि एक वीडियो और लाऊँ जिसमें और जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में पढ़ाऊँ। देखिए, जो अकबर के दरबार में जो हमारे भक्ति काल के कवि थे उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन उनमें से और उनके अलावा और भी कुछ दो चार महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके बारे में मैं एक वीडियो और ले आऊँगी, एक में ही सबको ले आऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि रहीम का नाम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके बारे में आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊँगी, उसके बाद ही मैं भक्ति काल को ख़त्म करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई रसखान और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि शुद्ध ब्रजभाषा, शुद्ध ब्रजभाषा का मतलब है कि साहित्यिक ब्रजभाषा, अच्छी ब्रजभाषा, बिल्कुल स्पष्ट, जिसमें बिल्कुल भी गलतियां ना हो, और सबसे अच्छी ब्रजभाषा किसी ने लिखी है तो वो किसने लिखी है? रसखान ने और घनानंद ने। तो इसी के ऊपर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई रसखान और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यंत्र दुर्लभ है। मतलब कि वो और दूसरी जगह मिलना संभव नहीं है,
ये कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। मतलब कि इनकी भाषा के बारे में तारीफ़ की है, इनकी भाषा के बारे में अच्छा बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और दो कवियों को यहाँ पे साथ में लिया है, रसखान और घनानंद, ठीक है, ब्रजभाषा से जोड़ के बताया है, तो ये आपको मालूम हो गया। अब देखिए 252 वैष्णवों की जो वार्ता है उसमें इन्हें बल्लव संप्रदाय अनुयायी माना गया है। देखिए दोस्तों 252 वैष्णवन की जो वार्ता है इसमें जो बल्लव संप्रदाय हमारा था उसके अनुयायी माना गया है, किसको, रसखान को, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाए कि 252 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार रसखान को कौन से संप्रदाय का अनुयायी माना गया है, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया यहाँ पे कि बल्लव संप्रदाय का अनुयायी माना गया है 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, ठीक है। और ये ब्रजभाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, कौन, रसखान जी, ठीक है दोस्तों। रसखान जी के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता है, बिल्कुल दोस्तों इनके काव्य में श्रृंगार की प्रधानता है और बात्सल रस का भी चित्रण मिलता है। दोस्तों इन्होंने बाल रूप का भी बहुत अच्छा चित्रण किया है और श्रृंगार की प्रधानता तो है ही इनके काव्य में, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए इनको पीयूष बरसी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इनको पीयूष बरसी, पीयूष बरसी का अर्थ ही होता है कि अमृत की वर्षा करने वाला, ठीक है। पीयूष यानी होता है अमृत और बरसी यानी होता है वर्षा करने वाला, तो पीयूष बरसी मतलब अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसको कहा गया है, रसखान को। रसखान के नाम से क्लियर हो रहा है, रस की खान, ठीक है। तो अमृत की वर्षा करने वाला कवि इनको कहा गया है। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित सवैया का मार्ग अपनाया। देखिए दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा थी उसमें पद लिखने की ही परंपरा थी, सभी ने पद ही लिखे थे, लेकिन इन्होंने कवित सवैया का मार्ग भी अपनाया, मतलब कि कवित और सवैया भी लिखे, ठीक है। कवित सवैये के अतिरिक्त इन्होंने दोहे की भी रचना की थी, मतलब इसके अलावा इन्होंने दोहे भी लिखे। इनका भाषा, इनकी जो भाषा है, देखिए इनकी कर लेना इसको, इनकी भाषा शुद्ध है, परिमार्जित है और साहित्यिक ब्रजभाषा है, ठीक है। मतलब इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, परिमार्जित है, साहित्यिक ब्रजभाषा है, ठीक है। तो ये इनकी भाषा के बारे में किसने कहा था, आपको मालूम है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा रसना खान और घनानंद की भाषा के बारे में कि इनकी भाषा बहुत अच्छी है, ऐसी भाषा अन्यत्र मतलब कि दूसरी जगह मिलना दुर्लभ है, ठीक है। अब देखिए 10वां पॉइंट है वो रसखान जी से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे पूरे भक्ति काल या फिर मैं कहूँ कि कृष्ण काव्य से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमने जो पुष्टि मार्ग पढ़ा था बल्लभ संप्रदाय में, उसमें आपने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों ये दोनों जो रचना है ना, इन दोनों को तो किसने लिखा है, गोकुलनाथ जी ने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है, यहाँ पे 84 वैष्णवन की वार्ता है और यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता है, ठीक है, 252 वैष्णवन की वार्ता है। तो देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता में तो किसके शिष्यों के बारे में बात हुई है, बल्लवाचार्य जी के शिष्यों के बारे में, और 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में बात हुई थी, ठीक है। ये आपको मालूम था पहले से, लेकिन अब अच्छे से इसको समझ लीजिए अगर किसी ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो। देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता में बल्लवाचार्य जी के शिष्यों के बारे में बात हुई थी, 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में बात हुई थी, और दोनों ने मिलकर के अष्टछाप की, अष्टछाप के मतलब जो कवि थे वो चार इसके शिष्य थे, चार इसके थे, और स्थापना की थी विट्ठलनाथ जी ने, ठीक है, 1565 ईस्वी में की थी, जिसको मैंने वहाँ पर बार बार गलत लिखा था और गलत ही बोल भी दिया था, ठीक है, तो वो आपको मैंने बाद में सही करके भी बता दिया था। अब देखिए दोस्तों ये दोनों रचनाएं तो लिखी हैं गोकुलनाथ जी ने, ठीक है, और इन दोनों रचनाओं में किसके बारे में बात है, एक तो बल्लवाचार्य जी के बारे में बात है मतलब इनके शिष्यों के बारे में, और एक में विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में। तो आप ये जान लीजिए, देखिए आप यूँ जानिए, एक बार इसको साफ कर देती हूँ, देख ये बल्लवाचार्य जी है ना, ये विट्ठलनाथ जी के पिताजी है, ये विट्ठलनाथ जी के पिताजी है, कौन, बल्लवाचार्य जी, और ये विट्ठलनाथ जी है ये किसके पिताजी है, गोकुलनाथ जी के। अब आप इसको यूँ भी समझ सकते हो कि ये है आपके दादाजी, ठीक है, डी लिख दिया सिर्फ, ये है आपके पापा जी और ये हो आप खुद हो, ठीक है। तो आप अपने लिए कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने सिर्फ पिता पुत्र का रिलेशन बताया था, लेकिन अब मैंने इन इसका भी पुत्र बता दिया नीचे विट्ठलनाथ जी का, तो गोकुलनाथ जी इनका बेटा है और इसने ही इन दोनों रचनाओं को लिखा है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। आपको समझ में आ गई यहाँ तक की बात, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे पढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनकी चर्चित पंक्तियों के बारे में, ठीक है। किसकी चर्चित पंक्तियाँ? रसखान जी की, ठीक है। रसखान जी की चर्चित पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पहली पंक्ति है यहाँ पे, ताही अहिर की छुरियाँ छछियाँ भर छाद पे नाच नचाबे। दोस्तों इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि जो गोपियाँ थी वो जरा सी छाछ के लिए पहले कृष्ण भगवान को नाच नचाती थी, बाद में उनको छाछ पिलाती थी। तो इसके लिए लिखा है रसखान जी ने ये पद कि ताही अहिर की छोरियाँ छचियाँ भर छाद पे नाच नचावे, ठीक है दोस्तों। ये पद है ये इसके लिए है। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। यहाँ पे कहा कि जो कौआ होता है उसके भाग बड़े अच्छे है सजनी, मतलब कि ये कह रहे हैं रसखान जी कि इनके भाग बड़े अच्छे हैं कि ये भगवान के हाथ से माखन रोटी ले गए, मतलब कि भगवान जी का झूठा उनको खाने को मिल रहा है, उन्होंने भगवान जी को छू लिया, इस तरीके से ये कह रहे हैं कि काग के भाग है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों तीसरा पद है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी मैं एक ही पंक्ति लिखने वाली थी लेकिन मैंने पूरी पंक्ति लिख दी है क्योंकि मेरा मन था कि मैं इसे आपको समझाऊं, इसलिए मैंने पूरी लिख दी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये वाली पंक्ति पूछ ले तो इसलिए मैंने चारों पंक्ति लिख दी कि चलो हम पूरी पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। देखिए मानुष हो तो बही रसखानी बसो संग गोपुल गाँव के गवारन। देखिए दोस्तों इसमें कहा है रसखान जी ने कि अगर भगवान मुझे मनुष्य का जन्म दे दोबारा तो मुझे उस गोकुल गाँव में जन्म दे जहाँ पर कृष्ण भगवान का बालपन गुजरा है, जहाँ पर उनका बाल लीलाएं हुई है, जहाँ पर उनका बचपन गुजरा है, मुझे वहाँ पर जन्म दे। किसने कहा है ऐसा? रसखान ने कहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मुझे मौका मिलेगा कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहने का, उनके साथ रहने का, ये इस पंक्ति में इन्होंने कहा है। दूसरी पंक्ति देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यनंद की देहनु मजारन। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर कह दी है इन्होंने रसखान जी ने, और बात क्या कही है कि भगवान अगर मुझे पशु का जन्म दे ना तो नंद बाबा की गायों में मेरा जन्म दे, मतलब मुझे गाय के रूप में जन्म दे और मैं उनकी गाय बनूं और आराम से वहां पे चरूंगी, क्योंकि भगवान कृष्ण चराएंगे गाय को और मैं उनके साथ, मतलब उनके साथ में रहने का मुझे अवसर मिलेगा। पाहन हो तो बही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। देखिए दोस्तों इसमें भी कितनी शानदार बात कही है। फ़ोन और डिस्चार्ज हो रहा है, कोई बात नहीं, इतने में हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है कि पाहन हो तो बही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण। यहाँ पे कहा है कि भगवान अगर मुझे पत्थर का जन्म देना, अगर मुझे पत्थर बना दे तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए जिसको कृष्ण भगवान ने मतलब कि रक्षा करने के लिए, ब्रज जो प्रदेश है उसकी रक्षा करने के लिए अपनी एक उंगली पर धारण किया था। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे कही गई है कि पाहन हो तो बही गिरी को, मतलब कि उसी पहाड़ का, उसी गोवर्धन पर्वत का मुझे पत्थर बनाए जो धैर्य कर छत्र पुरंदन कारण, जो ब्रज प्रदेश का रक्षा करने के लिए वो एक उंगली पर कृष्ण भगवान ने धारण किया था, उसका मुझे पत्थर बनाए गोवर्धन पर्वत का। और लास्ट वाली लाइन देखिए दोस्तों, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब आप बताइए मुझे इस पंक्ति का अर्थ क्या है, लेकिन आप कैसे बताओगे, चलो मैं ही बता देती हूँ। और यहाँ पर कहा गया है कि अगर भगवान कभी मुझे क्या बनाए, पक्षी बनाए, अगर मुझे पक्षी बनाए तो कहाँ पर और किस रूप में मुझे पक्षी बनाए। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जमुना के किनारे जो कदम्ब की जो डाल है, जो पेड़ होते हैं, उन डालों पर बैठने वाला पक्षी मुझे बनाए। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, मतलब कि मुझे उस ब्रज प्रदेश का, उस गोकुल का, वहाँ का पक्षी बनाए जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते थे, यमुना नदी के आसपास मुझे उन कदम्ब की डारों पर बैठने का मुझे अवसर मिले, भगवान कृष्ण को देखने का, उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मतलब मिले, ये रसखान जी ने कहा है। और इतनी अच्छी बात है, और मैं आपको एक बार और इस पद के बारे में, मतलब सिर्फ इसकी जो भावार्थ है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ठीक है, क्या है। तो कृष्ण उसने रसखान जी ने यहाँ पे क्या कहा है कि भगवान अगर मुझे दोबारा कभी इंसान का जन्म दे
तो मुझे जन्म कहाँ पर दे, उस गोकुल गांव में जन्म दे। ये बोला है किसने, रसखान जी ने, उस गोकुल गांव में मुझे जन्म दे ताकि मैं कृष्ण भगवान के सानिध्य में रह सकूं, उनका प्रेम पा सकूं, उनके पास रहने का मुझे अवसर मिल सके। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है कि यदि भगवान मुझे पशु बनाए ना तो नंद बाबा की गायों में मुझे जन्म दे, मतलब कि एक गाय मुझे बना दे ताकि मैं वहाँ पर चरती रहूँ, वहाँ पर घूमती रहूँ, और यदि कभी मुझे पत्थर बनाए तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए जिस पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पर उठाया था। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने बोला है कि अगर कभी पक्षी बनाए तो मुझे वो पक्षी बनाए जो यमुना के किनारे कदम की डालों पर बैठे रहते हैं ना, वो पक्षी मुझे बनाए। तो रसखान जी का कहने का मतलब ये है कि ये ना ब्रज प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते, ये वहीं रहना चाहते हैं, कृष्ण भगवान के आसपास रहना चाहते हैं, उन्हीं के सानिध्य में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पद का मतलब ये था। चलो दूसरा वाला पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, बालकुटी अरु कमराई पर राज तेहु पुरकोत जी डार्यो। देखिए दोस्तों, ये जो पंक्ति है इसमें कहा गया है, इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण भगवान जो है उनकी जो लाठी है ना, देखिए लकुटी बाल लकुटी अरु कमरिया, मतलब कि उनकी जो लाठी है और उनका जो कंबल है, उनके कंबल का सुख अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं क्या कर दूँ, मैं तीनों लोकों का राज, मतलब कि तीनों लोकों का जो राज्य है ना उसको त्याग दूँ। किसने बोला है, रसखान ने, बा लकुटी अरु कमराई पर राज त्यू पुरको तजी डायरो, मतलब कि उनकी लाठी का और उनके कंबल का अगर मुझको सुख मिल जाए तो मैं क्या करूँ, तिहो मतलब तीनों लोकों का जो राज है ना उसको मतलब कि डारो, मतलब कि उसको छोड़ दूँ, उसको त्याग दूँ, ये कहा है रसखान जी ने। और देखिए दूसरी पंक्ति में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आठव सिद्धि नभो निधि सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठों सिद्धि मतलब कि आठ सिद्धि होती है हमारी और नौ निधि होती है, आप सभी जानते हो इनके बारे में, आठ सिद्धि और नौ निधि हमारी होती है, आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर रसखान जी ने क्या कहा है कि अगर मुझको नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिल जाए ना, अगर उनकी गायों को चराने का मुझे किसी भी तरह से मौका मिल जाए, वो सुख मुझे प्राप्त हो जाए, तो मैं आठों सिद्धियों को और नौ निधियों का जो सुख होता है ना उसको भी छोड़ दूँ और उनकी गायों को चराऊँ, ये बोला है रसखान ने। देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, बहुत शानदार इन्होंने लिखा है। और देखिए तीसरी पंक्ति में फिर ये क्या कह रहे हैं, देखिए, ए रसखानी जबे इन नैनन तय ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। देखिए इस पंक्ति में इन्होंने क्या कहा है रसखान ने कि जो मेरी जो आँख है ना वो ब्रज के ये वन है, बाग है, जो तालाब है, सरोवर है, ये सब इनको देखने को मिल जाए ना तो जितना भी ये भवन का महलों का जो सुख होता है ना मैं उस सबको त्याग दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, बस मुझे देखने को क्या मिल जाए, जो ब्रज के वन है, बाग है, तड़ाग मतलब कि जो तालाब सरोवर है ये सब देखने को मिल जाए तो मैं सारे सुखों को त्याग दूँ जो महलों के सुख होते हैं उनको। देखिए चौथी लाइन में देखिए क्या कहा है रसखान जी ने कि कोटिक लोक कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारू। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, करील के एक पेड़ होता है दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब मुझे सुख मिल जाए ना वहाँ पर रहने का, सारी चीज़ों को देखने का, मतलब कि किसी भी तरह बस मुझे कृष्ण भगवान के सानिध्य में रहने का अवसर मिल जाए तो मैं सारी चीज़ों को छोड़ दूँ, कहने का मतलब ये है रसखान जी का। तो मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया है, और जब हम कविता वाले में पढ़ेंगे वहाँ पे अगर रसखान जी का होगा तो हम और ज़्यादा विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।